हेलो एवरीवन कैसे हो आप लोग तो आज मैं आपको 2024 की बेस्ट फोटो एडिटिंग एप के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आप अपनी फोटो को प्रोफेशनली एडिटिंग कर सकते हो चाहे आपको फोटो एडिट करना आता हो या ना आता हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बस आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और आप प्रोफेशनल लेवल की फोटो एडिटिंग सीख जाएंगे तो चलिए सबसे पहले हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कौन सा फोटो एडिटर है और उसमें आप कैसे अपने नॉर्मल सी फोटो को एडिट करके उसमें चार चांद लगा सकते हो वो भी बिना किसी मेहनत के सो फोटो एडिटर का नाम है फोटो लिप जो कि आपको इजीली गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा सो आप गूगल प्ले स्टोर से इसे इंस्टॉल कर लेना उसके बाद आप इसे ओपन करना कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा आपको यहाँ पे एक एडिट फोटो का ऑप्शन दिख रहा होगा सिंपली से आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है ठीक है यहाँ पे आप क्लिक करोगे देन आपके गैलरी में जितना भी फोटोज होगा वो सारे फोटोज आ जाएंगे अब जो फोटो आप यूज करना चाहोगे उसे सिंपली से यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है ठीक है फोटो जैसे से ही आप सेलेक्ट करोगे ना देन आपको स्टार्टिंग में जितने भी टूल्स देखने को मिले थे जैसे कि आपको ए फिल्टर दिख रहा होगा या फिर और भी आपको टूल्स वहां पर दिख रहे होंगे वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाते मतलब कि प्रोफेशनली फोटो को एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे सारा टूल्स मिल गया है और हाँ इसमें आपको ना मैनुअली ज्यादा कुछ नहीं करना है मतलब आधा से ज्यादा काम आपका ए ही कर देगा आपको सिर्फ ये बताना है कि किस टाइप का आप फोटो एडिट करना चाहते हो ठीक है लाइक like, आपको यहाँ पे एक ए आई फ़िल्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा इसके ऊपर आप क्लिक करोगे देन आपके सामने काफ़ी सारे यहाँ पे फिल्टर देखने को मिल जाएंगे इनमें से किसी को भी अगर आप सेलेक्ट कर ले तो देन ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली आपका फ़ोटो एडिट हो जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे हो बिफोर की फ़ोटो और यहाँ पे ये यह आफ्टर की फ़ोटो देख सकते हो हम सिर्फ यहाँ पे आएँ और स्टार्टिंग वाला फ़िल्टर हमने सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे इस तरीके का हमारा फोटो एडिट हो गया ठीक है यहाँ पे और भी काफ़ी सारे हमें फ़िल्टर देखने को मिल जाते हैं इनमें से अगर आपको दूसरा कुछ फ़िल्टर चाहिए तो आपको दूसरे को सेलेक्ट करना फिर दूसरे टाइप का आपका फ़ोटो एडिट हो जाएगा लाइक कुछ इस तरीके का हो गया एंड इनमें भी आपको काफ़ी सारे वेरिएंट देखने को मिलेंगे लाइक वन टू थ्री फोर फाइव है तो मैं यहाँ पे टू को अप्लाई करता हूँ देन आप देख पाओगे कि यहाँ डिफरेंट टाइप का हमारा फोटो एडिट हो जा रहा है लाइक कुछ इस तरीके से ठीक है तो आपको यहाँ पे काफी सारे फिल्टर मिलते हैं इनकी मदद से आप सिर्फ एक क्लिक में अपने फोटोज को प्रोफेशनली एडिट कर सकते हो लाइक आप यहां देख पा रहे हो इसमें बहुत सारे हैं ठीक है एंड यहाँ पे कुछ ट्रेंडिंग चीज़ें भी हैं जैसे कि हिडन फेस कुछ टाइम पहले काफ़ी ट्रेंड में था वो भी है कार्टून इफेक्ट वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एनिम भी मिल जाएगा कॉमिक गेमिंग फेस मिक्स बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो इनमें से किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो ठीक है जैसे कि आपको आ, किसी के ऊपर भी क्लिक करो सेल्फी कस्टम किसी के ऊपर भी क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कस्टम का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे क्लिक करना एंड जैसा आप वो फोटो को अपना बनाना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो जैसे कि अगर आपको सी फोटो एडिटिंग चाहिए तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो सी एंड उसके बाद फोटो एडिटिंग लिख दोगे तो जैसा सी फोटो एडिटिंग में होता है ना बिल्कुल सेम उसी तरीके से एडिट करके ये आपको दे देगा कुछ इस तरीके का यहाँ पे आ चुका रिजल्ट ठीक है अब इसमें भी आपको पांच वेरिएंट मिलेंगे जो सही लगता है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो या फिर अगर आपको और थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना है तो वो भी आप कर सकते हो ये वाला काफ़ी सही लग रहा है आप देख पा रहे हो सी भी फोटो एडिटिंग हमारी यहाँ पे हो गई है ठीक है सिर्फ अगर इसमें हम थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज कर दें तो यहाँ पे ये अच्छा हो जाएगा और बेहतर बन जाएगा ओके तो इस तरीके से करके आप यहाँ पे ये सारे फिल्टर का भी यूज कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे कस्टमाइज करके भी जिस टैप का फोटो एडिटिंग करना चाहते हो वो सिर्फ लिख के इसे दे दो वो कर देगा ठीक है तो काफ़ी इजी है सो तो इस तरीके से आप ये एआई फिल्टर की मदद से आप यहाँ पे सिर्फ एक दो क्लिक के अंदर अपने फ़ोटो को एडिट कर सकते हो देन आपको यहाँ पे और भी काफ़ी सारे टूल्स देखने को मिल जाते हैं जैसे कि आपको ए आई एक्सपेंड मिल जाएगा इससे होता है क्या है कि आप अपने छोटा साइज़ का इमेज को एक्सपेंड करके बड़ा साइज़ में कन्वर्ट कर सकते हो लाइक अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो एंड यहाँ से आप कोई भी एक रेशो सेलेक्ट करोगे तो उस रेशो में आपका जो फोटो होगा उसका साइज़ को ये इंक्रीज़ कर देगा लाइक like हमने इसे सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे क्लिक कर दे रहे हैं तो आप देख सकते हो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया है एंड यहाँ पे इसका जो साइज है उसे एक्सपेंड किया जा रहा है यहाँ पे हमें तीन रिजल्ट मिलते हैं जैसे कि आप देख सकते हो जिनमें कि ये वाला रिजल्ट काफ़ी रियलिस्टिक है एंड सही लग रहा है तो हम इसे रख सकते हैं सो अगर आपको ये करना हो देन आप कर सकते हो मतलब कि ये भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है साथ ही में आपको स्काई वगैरह को एडिट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है कटआउट का भी ये सब भी ठीक है देन आपको यहाँ पर ए बैकग्राउंड मिलता है जो कि काफ़ी कमाल का चीज़ है और आपको एडजस्ट भी मिल जाएगा तो एडजस्ट के ऊपर आके आप यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा इंक्रीज कर देना सो so डेट के आपकी फ़ोटो सही हो सके लाइक कॉन्ट्रास्ट एंड एक्सपोजर को हम थोड़ा यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं देर आप देख सकते हो तो हमारा जो फोटो है वो काफ़ी सही लग रहा है ठीक है तो आप यहाँ से एडजस्टमेंट भी कर सकते हो देन आपको यहाँ पे डन कर देना है ना उसके बाद आपको यहाँ पे एक ए बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा इसकी मदद से बेसिकली आप अपने फोटो का जो बैकग्राउंड है उसे आप चेंज कर सकते हो लाइक ए बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करो देन आपको यहां पे भी काफी सारे बैकग्राउंड का मीन से टाइप मिल जाएगा देख पा रहे हो ठीक है तो इनमें से भी आप किसी को सेलेक्ट कर सकते हो बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो सही लगे आप उसे यहाँ से चूज कर सकते हो ठीक है हमें ये स्ट्रीट वाले काफी सही लग रहा है तो हम इसे भी रख सकते हैं so, सो अगर आपको बैकग्राउंड सिर्फ चेंज करना है देन आप यहाँ पे आके एक क्लिक में अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो एंड अगर आपको अपना पूरा फोटो को ही एडिट करना है तो ये जो ए फिल्टर है इसके ऊपर आके आप अपना पूरा फोटो को एडिट कर सकते हो वो भी सिर्फ एक क्लिक में आना है यहाँ पे कोई एक फिल्टर को सेलेक्ट करना है फोटो एडिट हो जाएगा लाइक आप यहाँ देख पा रहे हो ठीक है तो मैंने यहाँ पे आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल थे उनके बारे में बता दिया है कि कैसे आप यहाँ पे एक क्लिक में प्रोफेशनली फोटो को एडिट कर सकते हो और दूसरा जो इम्पोर्टेंट टूल है वो ये था कि आप कैसे अपने फोटो का बैकग्राउंड को रियलिस्टिक टाइप का चेंज कर सकते हो ओके एंड उसके बाद तो यहाँ पे आपको सारा बेसिक टूल्स देखने को मिल जाता है जो कि हर एक ऐप में होता है जैसे कि इनहैंड से इससे थोड़ा सा क्वालिटी अच्छी हो जाएगी फिर यहाँ पे फिल्टर है तो थोड़े बहुत फिल्टर आपको यहाँ मिलेंगे इनसे आप फिल्टर चेंज कर सकते हो ठीक है तो ये सब तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि हर एक फोटो एडिटिंग ऐप में होता है क्रॉप वगैरह भी ठीक है तो जो इंपॉर्टेंट था उसके बारे में मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है कैसे यूज़ करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है ओके तो जो भी आपको यहाँ पर स्टाइल वगैरह सही लगे जैसा भी आपको फोटो को कस्टमाइज वगैरह करना चाहते तो आप यहाँ से कर लेना एंड मैं यहाँ पे इसे थोड़ा कस्टमाइज करता हूँ सीबी फोटो एडिटिंग वाला काफ़ी सही लग रहा था तो मैं यहाँ पे सी फोटो एडिटिंग वाला प्रॉम्प्ट डाल दिया एंड यहाँ पे सी फोटो एडिटिंग हो गई ठीक है सही लग रहा है तो इसे रख लेते हैं सो so, इस तरीके से आप यहाँ पे अपने फोटो को एडिट कर सकते हो ओके एडिट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिखेगा इसके ऊपर क्लिक करके आप इसे यहाँ से सेव कर सकते हो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जा रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना आपके गैलरी में सेव हो जाएगा ठीक है तो इसी तरीके से मतलब सेम तरीका को यूज करके मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे फोटो को जनरेट किया है मतलब कि बनाया था ठीक है लाइक ये मैंने पिछले बार बनाया था सेवी फोटो एडिटिंग का तो कुछ ऐसा रिजल्ट आया था और कुछ इस तरीके का भी वहाँ पे प्रीसेट मिलता है ये सब भी मैंने सिंपल वहीं से बनाया है ठीक है आप जस्ट थोड़ा बहुत यहाँ पे आ, ये जो फिल्टर है इन्हें खोजोगे तो आपको मिल जाएगा सारा इफेक्ट ठीक है जैसे कि यहाँ पे सेल्फी में ये जो न्यून वाला है इसकी मदद से हमने बनाया था वैसा ठीक है और भी यहाँ पे काफ़ी सारे हैं तो इन सब का यूज़ करके आप अलग अलग टाइप का फोटो अपना बना सकते हो ठीक है जैसा सही लगे वैसा आप यहाँ से कर लेना ओके okay, मैंने आपको तरीका दिखा दिया अब जो फ़िल्टर आपके फ़ोटो के अकॉर्डिंग सही लगेगा उसे फ़िल्टर को आप रखना ओके okay, सो so इस वीडियो में इतना ही अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय